नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम। कल के वीडियो में देखा था इसेंशियल और रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देख लीजिए और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हर बार की तरफ मैंने क्या किया है, यहाँ पे सीरियल नंबर, पैरामीटर, हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम लिखा है। फर्स्ट जो है आपका डिफरेंस, तो उसका हेडिंग क्या है, वर्किंग मीडियम। वर्किंग मीडियम हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या करते हो आप, ऑयल का यूज़ करके एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेटिक सिस्टम में बाय द यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड एयर आप क्या करते हो, वर्क डन लेते हो। इसके बाद प्रेशर अप टू, यहाँ पे क्या होता है, अप टू 500 बार तक क्या करते हो आप, प्रेशर जनरेट करते हो। और यहाँ पे क्या होता है, अप टू 10 बार तक ही आपका प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम जनरेट कर पाती है। फिर उसके बाद फोर्स डेवलप। अभी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 500 बार तक प्रेशर जनरेट होता है, तो यहाँ पे फोर्सेस भी कैसे होंगे, हाई डेवलप फोर्सेस भी हाई डेवलप होंगे। यहाँ पे प्रेशर कितना है, 10 बार है, तो यहाँ पे फोर्सेस कैसे आपके लेस है। यहाँ पे 1 टन तक आपका क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। और यहाँ पे 1000 टन तक आप क्या कर सकते हो, प्रेशर जनरेट कर सकते, फोर्सेस डेवलप कर सकते। उसके बाद कंपोनेंट डिज़ाइन। अभी अगर आपका जो एक्चुएटर होता है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एंड एप्लीकेशन है आपका एक्चुएटर, एक्चुएटर में अगर इतना कॉम्प्रेस्ड ऑयल आप भेज रहे हो यहाँ पे तो क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 500 बार तक प्रेशर जा रहा है तो ये इसका डिज़ाइन भी कैसे होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हेवी होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट डिज़ाइन में क्या करते हो आप, स्टील और हेवी मटेरियल क्या करते हो आप, यूज़ करते हो। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 टन तक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम का आप यूज़ करते हो सिलेंडर बनाने के लिए या बाकी कंपोनेंट्स बनाने के लिए। बाद में विस्कोसिटी, ऑयल को विस्कोसिटी है, तो वो क्या होता है, जब सिलेंडर के अंदर फ्लो होता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके लिए आपका जो ये ऑपरेशन है, ये कैसे होते हैं, हाइड्रोलिक के स्लोअर ऑपरेशन होते हैं। और यहाँ पे विस्कोसिटी नहीं है कंप्रेस्ड एयर को, तो ये क्या होते हैं, फास्ट इन ऑपरेशन, क्विकर, आप यहाँ पे क्विकर भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। टेम्परेचर, अभी हाइड्रोलिक सिस्टम में कैसे होता है, एक ही मीडियम होता है, उसको क्या करते हो आप, रिजर्वायर से लेते हो, पंप से, डायरेक्शन कंट्रोल वाल से, फ्लो कंट्रोल वाल से एक्चुएटर में जाता है, वापस एक्चुएटर से क्या होता है, रिजर्वायर में आता है, वापस उसका वही मीडियम आप क्या कर रहे हो, रीयूज़ कर रहे हो। इसके लिए वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप एयर क्या करते हैं, एक बार एयर यूज़ हो गई उसको क्या करते हो, रिलीज़ कर देते हो, वापस उसको आप यूज़ नहीं करते हो, इसलिए इसका टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ नहीं होता है वर्किंग मीडियम का। फिर उसके बाद फायर हजार्ड, जैसे आपको पता है कि अगर पेट्रोलियम बेस्ड आपका ऑयल है तो उसमें क्या हो सकता है, फायर हजार्ड के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एयर में नो फायर हजार्ड, ठीक। उसके बाद डर्टी, जैसे अगर आपका ऑयल आपके वर्किंग फ्लोर पे या शॉप फ्लोर पे गिर गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्लिपरी सरफेस हो सकता है या एक्सीडेंट भी हो सकता है स्लिपरी सरफेस की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, एयर क्लीन है, इसलिए क्या होता है, जो न्यूमेटिक सिस्टम है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपके फूड पैकेजिंग जहाँ पे है वहाँ पे एयर का यूज़ होता है न्यूमेटिक सिस्टम। पीआरवी, अभी यहाँ पे कैसा है, आपका जो पंप है वो क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो कभी कभी प्रेशर ज़्यादा जनरेट करता है, इसलिए आपको क्या करता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे नो यूज़ ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व। उसके बाद लुब्रिकेशन, हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है कि वो सब सिस्टम में ऑयल है ऑलरेडी, तो आपको सेपरेट लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे खाली ड्राई एयर का यूज़ होता है, इसलिए आपको एक लुब्रिकेशन का डिवाइस वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। ये तो इतना डिफरेंस हो गया। लास्ट क्या है, आप एप्लीकेशन का पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इसमें क्या है, एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक सिस्टम में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, सीएनसी वीएमसी मशीन्स वगैरह, यहाँ पे मेडिकल एप्लीकेशंस। और यहाँ इसका यूज़ कहाँ पे होता है, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़, फिर वहाँ पे हैंड टूल्स जो होते हैं, आप अगर गाड़ी सर्विसिंग को लेने के गए तो वहाँ पे जो हैंड टूल्स होते हैं वहाँ पे, या माइनिंग में इसका यूज़ होता है। ऐसे ये टोटल वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।